वॉचर्स एंड जो भी ये वीडियो देख रहा है, अ वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड देखने वाले हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग कब यूज करते हैं एंड क्यों यूज करते हैं, वो भी थोड़ा सा समझने वाले हैं फॉर एसएससी ग्रेड क्लास 10। ओके, सो लेट्स क्विकली बिगिन। ओके, सो वी आर ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन जहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने वाले हैं। बट हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कब अप्लाई करते हैं, जब भी हम लोगों को दो वेरिएबल्स को दिया हुआ रहता है एक इक्वेशन में, बट इट्स नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ओके, लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, और कभी भी अगर डिनोमिनेटर में अगर कोई भी चीज रहता है, दैट इज सपोज अगर 1/x है ये, तो दिस इज नथिंग बट x^-1। और हम लोग का लीनियर इक्वेशन का क्राइटेरिया ये है कि उसका पावर हमेशा 1 होना चाहिए। ओके, 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकता, 1 से कम भी नहीं हो सकता। सो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। सो नाउ आवर टास्क इज टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू अ लीनियर इक्वेशन। सो लीनियर इक्वेशन में हम लोग उसको कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं, सिंपली बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सो सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, किसको करते हैं, क्या करते हैं, वो देखने वाले हैं अभी हम लोग। ओके, सो यहां पे हम लोग एक इक्वेशन दिया है, बेसिक सा इक्वेशन 2x-3y, दैट इज 2/x-3/y इज इक्वल टू 15। नाउ यहां पे अगर हम लोग देखें, ये दोनों डिनोमिनेटर में, दिस इज नथिंग बट 1/x मल्टीप्लीकेशन है एंड दिस इज 1/y। तो 1/x को अगर मैं a लिखूंगा एंड 1/y को मैं b लिखूंगा, इतना याद रखो, x को a और y को b सब्स्टिट्यूट नहीं करने का है, हम लोग को सब्स्टिट्यूट करने का है 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। सो ये वाले इक्वेशन में जब भी 1/x को मैं a सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो हम लोग को इक्वेशन मिलता है 2a एंड माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय वाई 1/y। ओके, सो 1/y को हम लोग ने b सब्स्टिट्यूट किया है, तो इसके लिए इधर b मिलता है। नाउ रिमेंबर, अगर तुम लोग x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b करोगे, ये वाला अगर मेथड जो रॉन्ग है, अगर ये करेंगे तो हम लोग को इक्वेशन क्या मिलेगा, 2/a-3/b इज इक्वल टू 15, विच इज ऑल्सो अ रॉन्ग इक्वेशन। हम लोग को उसको लीनियर बनाने का था, बट हम लोग ने उसको लीनियर बनाया ही नहीं। सो दिस इज द वे वी मेड इट अ लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू 15। ओके, सिमिलरली ये वाला जो इक्वेशन है, इसमें भी हम लोग वही चीज करने वाले हैं। सो वी विल गेट 8a+5b इज इक्वल टू 77। नाउ ये दो लीनियर इक्वेशन है हम लोग के पास, इसको हम लोग बाय क्रेमर्स मेथड सॉल्व कर सकते हैं क्रेमर्स रूल के साथ, या फिर हम लोग इसमें साइमल्टेनियस मेथड यूज कर सकते हैं, हम लोग की मर्जी, हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस सॉल्विंग वाला पार्ट आई विल लीव ऑन यू, आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करना है ये हम लोग ने हम लोग के पास्ट लेक्चर्स में देखा है। अगर तुम लोग ने वो लेक्चर्स नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड जस्ट वॉच द वीडियोस। ओके, वी आर ऑन द सेकेंड सम, जिसमें हम लोग को थोड़ा सा इक्वेशन तो सेम दिख रहा है बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा हम लोग को। यहाँ पे हम लोग को सब्स्टिट्यूट किसको करने का रहता है, इतना सेकेंड चीज याद रखो, सब्स्टिट्यूट उसको करने का रहता है जो सेम दिखता है हम लोग को दोनों इक्वेशन में। सो ये वाली इक्वेशन में अगर हम लोग देखेंगे, x plus y दोनों में सेम दिख रहा है एंड x minus y दोनों में सेम दिख रहा है। So what we will do is we will substitute 1/x+y is equal to a and 1/x-y is equal to b. Okay, हम लोग की मर्जी, हम लोग a b substitute करें या फिर mn substitute करें, कुछ भी substitute कर सकते हैं, problem नहीं है, but कुछ तो substitute करने का है other than x and y, जो भी variables दिया रहेगा उसके अलावा कुछ भी variables use कर सकते हैं हम लोग। Okay, तो first वाला equation क्या बनता है, 10a+2b इज इक्वल टू 4 एंड ये वाला इक्वेशन क्या बनता है, इट बिकम्स 15a-5b इज इक्वल टू -2। दीज आर द टू इक्वेशन जो हम लोग को मिलता है। नाउ ये दोनों इक्वेशन को जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग को कुछ एक वैल्यू मिलेगा, a का कुछ वैल्यू मिलेगा, सपोज अगर मैं अज्यूम कर लू 7। ओके, ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूं, दिस इज नॉट द राइट आंसर, अगर मैं अज्यूम करूं a प्लस
ए इज इक्वल टू 7 एंड बी का वैल्यू सपोज हो गया 3। ओके, ये दोनों अगर वैल्यूज है हम लोग के पास, 1 अपॉन ए कंसिडर करता हूं, चलो 1 अपॉन 7 एंड 1 अपॉन 3 ये दो वैल्यूज है हम लोग के पास, और इसको अगर हम लोग को सब्स्टिट्यूट करने का है फिर से, तो रीसब्स्टिट्यूटिंग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। आफ्टर वी गॉट ए एंड बी का वैल्यू, फर्स्ट सम में ये हम लोग ने नहीं देखा था, आफ्टर वी गेट ए एंड बी का वैल्यू वी आर सपोज टू रीसब्स्टिट्यूट इट इन दिस इक्वेशन, जो इक्वेशन हम लोग ने सब्स्टिट्यूट किया था। सो ए का वैल्यू इज 1/7, तो हम लोग का वैल्यू बन जाता है 1/x + y = 1/7। ओके, एंड नेक्स्ट वाले का वैल्यू क्या बन जाएगा, 1/x - y = 1/3। इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर्स को न्यूमिनेटर्स में लाने का ट्राई करेंगे, तो व्हाट डू वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग को मिलता है x + y = 7 एंड इसमें क्या मिलता है x - y = 3। ये दोनों इक्वेशन फिर से एक लीनियर इक्वेशन बन गया है, एंड इसको अगर हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, ये x और y कैंसिल हो जाता है, एडिंग बोथ द इक्वेशंस करेंगे नॉर्मली तो हम लोग को मिलता है 2x = 10, x का वैल्यू इज इक्वल टू 5। ओके, सो ये x का वैल्यू हो गया, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाले इक्वेशन में अगर हम लोग इधर 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5, 6, 7, तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द वे यू आर सपोज टू रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यूज अगेन। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि इसका वैल्यू 1/7 और इसका वैल्यू 1/3 ही आने वाला है, उसका वैल्यू कुछ भी आ सकता है, वी डोंट नो, बिकॉज हम लोग ने सॉल्व नहीं किया है। सो बट दिस इज द वे वी आर सपोज टू डू सब्स्टिट्यूशन, सो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड इधर हम लोग ने रीसब्स्टिट्यूटिंग किया है, रीसब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, ओके, सो नाउ इन दिस क्वेश्चन हम लोग सिर्फ देखने वाले हैं कि सब्स्टिट्यूट किस किस को करने का है। कभी कभी बच्चे लोग को कंफ्यूजन हो जाता है कि सब्स्टिट्यूट किसको करने का है, सिर्फ x को करने का है, सिर्फ y को करने का है, या फिर पूरा जो भी कॉमन दिख रहा है उसको करने का है। माई सजेशन विल बी, जो भी कुछ भी कॉमन दिख रहा है सबको सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे इधर x - 2 कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो ये हम लोग का a बन जाएगा, तो 1/x - 2 विल बी इक्वल टू a, एंड इधर y + 3 and y + 3 कॉमन दिख रहा है, तो 1/y + 3 विल बी इक्वल टू b। दिस इज फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सो दिस इज द वे यू आर गोइंग टू सॉल्व, यू आर गोइंग टू फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन एंड देन यू आर गोइंग टू सॉल्व दोज इक्वेशंस। नेक्स्ट वाला सम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा हम लोग को, बट कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा भी नहीं है, जैसे हम लोग ने बात किया था सेम जो भी दिखता है उसको हम लोग को सर्कल कर लेंगे हम लोग सबसे पहले, और उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, सो इधर सेम दिख रहा है तो इसको हम लोग ने लिख दिया, ये हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, और ये दोनों हम लोग का सेम दिख रहा है, ये सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, तो इसका इक्वेशन क्या बनता है थोड़ा सा एक फॉर्मुलेट करके देखते हैं। हम लोग को मिलेगा इधर a cos x + 1/3x + y, इसको हम लोग ने a सब्स्टिट्यूट किया है, एंड 1/3x - y इसको हम लोग b सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो a + b इज इक्वल टू 3/4, दिस विल बी आर फर्स्ट इक्वेशन। ये जो 4 है ये सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे बाय थ्रू आउट, सो हम लोग का डिनोमिनेटर से 4 हट जाएगा। नाउ इसमें अगर हम लोग चेक करेंगे, हम लोग को मिलेगा a/2 - b/2 = 1/8। नाउ रिमेंबर, ये जो 2 है और इधर का भी जो 2 है ये दोनों डिनोमिनेटर में, तो वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, सो इधर भी डिनोमिनेटर में, इधर भी डिनोमिनेटर में। ओके, बाकी का सब कुछ प्रॉपर है, इसको हम लोग फिर से हम लोग लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं, ये पहले से लीनियर इक्वेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2 कर देंगे या फिर मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 8 कर देंगे, सो दिस विल गिव अस अ लीनियर इक्वेशन, एंड फिर वो दोनों इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करने का है। सो दिस इज हाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड वर्क्स। हम लोग को सिंपली जो भी वैल्यू सेम दिखता है उसको हम लोग को सब्स्टिट्यूट कर देने का रहता है, एंड फिर उसको हम लोग को रीसब्स्टिट्यूट करने का रहता है। आफ्टर वी गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी हम लोग को उसको फिर से रीसब्स्टिट्यूट करने का रहता है, एंड आर एंड गोल इज टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज स्मैश लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू अवर चैनल देन प्लीज प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। We want this channel to grow, and please do share our videos also if you like it, and it is actually informative, and if you feel it's informative, do share it. Okay, so thank you, catch you guys later. Okay, chalo, bye.